वेलकम टू डिवाइन केयर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन फूड आइटम्स के बारे में जो कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आज का जो प्रेजेंट हमारा सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोगों को दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे कि डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से रिलेटेड देखने को मिल रही हैं, जो कि जब एक पर्सन को हम देखते हैं तो देखने में हमें नहीं पता चलता कि उसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो पर्सन और उसकी फैमिली बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। तो जो आज की वीडियो में हम जिन फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अपने ट्रीटमेंट्स को कंटिन्यू रखें और साथ में इन फूड आइटम को भी अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। सबसे पहला फूड आइटम है किशमिश, जिसको कि हम रेजिन भी कहते हैं। किशमिश में बोरोन नाम का एक एलिमेंट होता है जो कि हमारे अलर्टनेस, हमारी अटेंशन और हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। तो हमें किशमिश को अपने हर दिन की खुराक में ज़रूर डालना चाहिए। हम उसको ऐसे भी खा सकते हैं, खाली किशमिश ही खा लें। हम अगर वर्किंग हैं तो भी हम इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं किसी एक छोटे से पैकेट में। किशमिश की कुछ और क्वालिटीज़ भी बताती हूँ कि कभी भी हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा हो और हम 4 या 5 किशमिश मुंह में डालें और उनको चबा लें तो हमें एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ये उनके ब्लड प्रेशर को भी लोअर करती है, कम करती है उनके ब्लड प्रेशर को। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे कि आपको डायबिटीज़ या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको किशमिश नुकसान देंगी, तो वहाँ आपको इसे अपने डॉक्टर से पूछने के बाद खाना चाहिए। दूसरा फूड आइटम है एग, जिसको कि हम अंडा भी कहते हैं। एग में कोलीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कि हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ एग में प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमें सारा दिन टमी फीलिंग, मतलब कि हमें पेट भरा भरा फील होता है, सारा दिन भूख नहीं लगती और हमें एनर्जी भी मिलती है सारा दिन वो काम करने के लिए। नेक्स्ट फूड आइटम है ब्रोकली। ब्रोकली में ल्यूटिन नाम का केमिकल बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके फंक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी कि जब हमारी एजिंग होती है, मतलब कि हम ओल्ड होने शुरू हो जाते हैं, तो जो हमारी ब्रेन है हमारा, वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है, मतलब कि पावर घटनी शुरू हो जाती है और हमारे ब्रेन की इलास्टिसिटी भी कम होने लगती है। हमने अपनी पूरी लाइफ में जो स्किल्स सीखी होती हैं उनको हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जो अभी आपको मैंने केमिकल बताया जो ब्रोकली में मिलता है, वो क्या करता है कि जो हमने अपनी पूरी लाइफ में स्किल सीखी है वो उसको यूज़ करने में हमारी मदद करता है जब हम ओल्ड एज में आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट फूड आइटम है पालक, जिसको कि हम स्पिनच भी कहते हैं। पालक में बहुत अच्छी मात्रा में फोलेट्स और विटामिन B12 मिलता है, जो कि अल्जाइमर, डिमेंशिया के रिस्क को कम करता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझाना चाहूँगी, जिन लोगों को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों के जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि वो लोग विटामिन बी की डेफिशिएंसी से सफर्ड थे। तो हम अगर पालक को अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो डेफिनेटली हमें विटामिन B12 मिलेगा और हम रिस्क को कम कर पाएंगे। नेक्स्ट फूड आइटम है बादाम, जिसको कि हम आमंड भी कहते हैं। बादाम में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में है, जो कि हमारे ब्रेन के डिटोरिएशन को कम करता है, मतलब कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है हमारे ब्रेन की पावर कम होती चली जाती है। तो विटामिन ई हेल्प करता है, वो जो हमारे ब्रेन में डिटोरिएशन हो रहा था उसको कम करता है। साथ में प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया, बादाम को खाते हैं तो हमें काफ़ी देर तक फुलर फील होता है, मतलब कि हमारा पेट भरा रहता है, बहुत जल्दी हमें भूख नहीं लगती और साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है। नेक्स्ट फूड आइटम है वॉलनट, जिसको कि हम अखरोट भी कहते हैं।
ज़्यादातर लोग शायद इसके बारे में जानते हैं कि बहुत अच्छा ब्रेन फूड है ये, क्योंकि अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो भी हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और साथ में विटामिन ई मिलता है, जो कि सारी ही चीज़ें हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। वही जो मैंने आपको भी पहले बताया कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है, ओल्ड एज आ रही होती है, हमारे ब्रेन की पावर कम होनी शुरू हो जाती है, हमारा ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो ये उस स्पीड को स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट फूड आइटम है टर्मरिक, जिसको कि हम हल्दी भी कहते हैं। हम लोग ज़्यादातर हल्दी को स्पाइसेस मसाले की तरह यूज़ करते हैं अपने खाने में कलर और फ्लेवर देने के लिए। इसके साथ ही हम हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ जो अल्जाइमर के पेशेंट हैं उनके सिम्टम्स को भी, या जो उनके अंदर चेंजेस आने लगे हैं उनको भी कम करती है हल्दी को अगर हम रेगुलर यूज़ करें। नेक्स्ट फूड आइटम है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एक सीजनल फ्रूट है, समर सीजन में आता है। ये हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन को हमेशा यूथफुल रखता है, हमेशा यंग बनाकर रखता है। एज के साथ जो एक कॉग्निटिव एजिंग होती है, कॉग्निटिव एजिंग क्या होती है कि जैसे जैसे हम ओल्ड हो रहे होते हैं, हमारी एज बढ़ रही होती है, तो हमारा ब्रेन जो है उसकी पावर, मतलब हमारे ब्रेन की रीजनिंग पावर और मेमोरी पावर स्लो डाउन होने लगती है। तो स्ट्रॉबेरी को हम जब उसका सीज़न है तब खाएं एवरी डे, तो जो हमारा ब्रेन है वो यंग बनता है और कॉग्निटिव एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता है। नेक्स्ट फूड आइटम है कैरेट, जिसको कि हम गाजर भी कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी आई हेल्थ के लिए, आँखों की हेल्थ के लिए कैरेट बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ इसमें ल्यूटेलिन कंपाउंड भी पाया जाता है, जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है और हमारे ब्रेन में किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को रोकता है। तो आज हमें एक चीज़ और पता चली कि कैरेट अगर हम डेली अपनी डाइट में लेंगे तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट फूड आइटम है बीटरूट। बीटरूट के बारे में हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, जो कि जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम है या एनीमिक है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ही बीटरूट में नाइट्रेट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी ब्रेन में जो एक एनर्जी लेवल है वो बना रहता है और हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे 10 उन फूड आइटम्स की बात की जिनको कि हम अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी हमेशा बरकरार रहेगी। इनमें से ज़्यादातर फूड आइटम्स हमारी अप्रोच में इजीली हो सकते हैं, हम उन्हें खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी रीच में नहीं है तो ज़रूरी नहीं हम सभी चीज़ों को खाएँ, जो भी इजीली अवेलेबल है उसे अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, इनके लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। हमारी ऐप डिवाइन केयर के नाम से है, फेसबुक पर जाकर डिवाइन केयर के पेज को भी लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।